एक नंबर के आलसी हो तुम, आलस के बड़े से टब में डूबे हुए व्यक्ति हो तुम। तुम्हारी माँ रोने लग रही है, लेकिन तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं आता इस चीज का। कौन ख्याल करेगा इसका? तुम ख्याल नहीं करोगे तो कौन और कौन करेगा? बूढ़ी माँ का ख्याल तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? एक इतने से काम के लायक नहीं हो, किसी भी अर्थ के नहीं हो तुम। आलस में डूबे हो तुम। अपने लिए क्या, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे? तुम अपने बच्चों के लिए क्या करोगे? कर सकते हो कुछ? तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी माँ चीख चीख कर रोने लग रही है, लेकिन तुम पे कोई असर नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ, बहुत देर से तुमसे कह रही हूँ, बहुत दिनों से तुमसे कह रही हूँ कि इस धरती पर अगर तुम हो ना, तो किसी अर्थ के तो बनो। कुछ तो करो, छोटा मोटा काम कुछ तो करो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी धरती माँ आपसे बोल रही है। हमारे देश में धरती को माँ बोला जाता है, और आज है अर्थ डे। अर्थ डे देश विदेश हर जगह मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को अर्थ डे की शुभकामनाएं। और मैंने गालियां नहीं दी हैं आपको, ये धरती माँ बोल रही है, चीख रही है, वो रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो जो ये मैसेज मैं दे रही हूँ आपको, वो उनके लिए है जो पौधे नहीं लगाते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो ये पौधे लगाना है जो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, लगाइए पौधे। देखिए, हम सारे त्यौहार मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, दूसरे से मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस त्यौहार को मनाना भूल जाते हैं। और ये त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है और ये भी मनाया जाता है। आप भी शामिल कीजिए अपने त्यौहारों में इस त्यौहार को, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं है, ये आज के लिए नहीं है, ये जिंदगी भर के लिए है, आगे की पीढ़ियों के लिए है। हमारी धरती माँ संकट में है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब हमारे बच्चे भुगतेंगे ना, तो शायद तब तक हम इसे देखने के लिए होंगे भी नहीं। ये धरती माँ रो रो कर चीख चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि पौधे लगाओ, पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, यहाँ हरियाली बनाओ। ये त्यौहार इसलिए बनाया गया था कि इस दिन सबको जागरूक किया जाए, देश विदेश हर जगह हर इंसान को। किसी एक देश के लिए ये जो त्यौहार है ये नहीं है, इसको इसलिए बनाया गया था कि देश विदेश में एक त्यौहार के रूप में, धर्म के रूप में हम इसे जब शामिल करेंगे, तो हर व्यक्ति साल में एक बार कम से कम एक पौधा लगाएगा तो इसकी तरफ जागरूकता आएगी। लेकिन वो चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सारे त्यौहार अच्छे से और धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं? ये त्यौहार भी हमें इसी तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार हमें देगा जीवन, हमारी सांसों को अच्छा करेगा ये त्यौहार। हमें इस त्यौहार को भी बहुत ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत भी है, फर्ज भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि आगे की पीढ़ी को हम ही सिखाएंगे। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कोई और नहीं सिखा पाएगा। पेरेंट्स को पहल करनी चाहिए कि पौधे लगाना और घर में ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा तरीके से और परंपराओं की तरह निभाना, क्योंकि ये हमारी परंपरा होनी चाहिए। जब परंपराएं होती है ना, वो ही आगे बढ़ती हैं। और हमारा देश इस चीज़ को अगर परंपरा में रख लेना, तो काया पलट कर सकता है। आप करके देखिए एक बार, घर में बहुत ज़्यादा से नहीं, छोटे से पौधे से शुरुआत तो कीजिए। यहाँ पर कोई शुरुआत नहीं हो रही है, गंदगी दिन पर दिन फैलती जा रही है। और ये त्यौहार इसीलिए था, स्वच्छता के लिए। प्लास्टिक को थोड़ा कम यूज़ कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही है और पौधे कम होते जा रहे हैं। बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनती जा रही हैं और पौधों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम तो शायद ये ज़िंदगी जीकर चले जाएंगे जैसे तैसे, लेकिन हमारी जो आगे की पीढ़ियाँ हैं उनकी सोचिए आप, उनकी कौन सोचेगा? जब हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम दूसरों के बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन जब बच्चों को तकलीफ होती है ना, तो माँ के दिल में हमेशा चोट पहुँचती है। तो जब धरती को माँ माना गया है, तो इस धरती को माँ मानने में इनकार क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने फर्जों से भाग रहे हैं? ये फर्जों से भागना ही है, इस फर्ज से मत भागिए। पौधे लगाइए, आज से ही शुरू कीजिए। और जब हम इसे अपने बच्चों को किसी त्यौहार की तरह बताएंगे, तो बच्चे हमारे आगे इस चीज़ को चलाएंगे, क्योंकि हर त्यौहार को, हर परंपराओं को बच्चे ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। एक पौधा लगाइए, आज ही लगाइए, आज है अर्थ डे, तो अर्थ डे पर कम से कम एक पौधा लगाकर अपना फर्ज अदा कीजिए। इतनी सारी सांस लेकर जा रहे हैं, कम से कम इतने पौधे तो लगा दीजिए कि एक पौधा आप लगा रहे हैं तो उसका बदला कुछ तो हम ले रहे हैं। इतना सारा हम धरती से सांस लेते हैं, अच्छी सांस ले रहे हैं, बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं? जमीन, प्रॉपर्टी, घर की ये मिट्टी की दीवारें? जी नहीं, हमें पेड़ पौधे देके जाने हैं बच्चों को, और ये संस्कार देके जाने हैं अपने बच्चों को कि पौधे लगाना कितना ज़रूरी होता है। ये विलुप्त होता जा रहा है बच्चों के अंदर से, बच्चों को पौधे लगाने नहीं आ रहे। जागरूक करने का मतलब, जागरूक करना है इस त्यौहार का मतलब।
जागरूक कीजिए अपने बच्चों को, जागरूकता जगाइए अपने बच्चों में कि हाँ पौधे लगाना कितना ज़रूरी होता है। जैसे कि दिवाली और होली होती है, या फिर ईद लगा लीजिए, या फिर आप कोई भी त्यौहार लगा लीजिए, बड़े बड़े जितने भी त्यौहार होते हैं सारे धर्मों में, देश विदेश हर जगह ये त्यौहार मनाया जाता है, तो भारत में भी क्यों ना मनाया जाए। तो हर घर में ये त्यौहार होना चाहिए, हर घर में ज़रूर होना चाहिए। हर घर में जितने मेंबर हैं उतने मेंबर के लिए आप पौधे लाइए और लगाइए। जैसे दिवाली पे, होली पे, ईद पे हम गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, तो इसी तरीके से पौधा गिफ्ट कर सकते हैं आप इसमें, तब देखिए क्या ग्रीनरी आएगी हमारे देश में। तो शुरुआत अपने घर से ही करेंगे। जब हम इस त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे ना, और बच्चों को बताएंगे कि ये त्यौहार इसलिए है, हमारी सांसों के लिए, जो हम सांस ले रहे हैं उनको अच्छा करने के लिए है, इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। पौधा लगाने से बड़ा धर्म और कोई नहीं है जिंदगी में, तो इस धर्म को सिखाइए। देखिए किताबी बातें तो सब बोल देते हैं, धर्म को सब बता देते हैं, लेकिन इस राह पर चलता कोई नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है। धर्म को बोलेंगे और गाएंगे, सब तरीके से बोलेंगे, उसके लिए गलत भी बोल देंगे, अच्छा भी बोल देंगे, सब कुछ बोल देंगे, लेकिन उस धर्म पर सब चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सब ख्याली जो गुलाब होता है ना वो कर देते हैं, क्योंकि जुबान हिलाने में कितना देर लगती है, जुबान हिलाने में कुछ ही टाइम सेकंड लगते हैं, और आप जुबान हिला देते हैं, किसी को भी अच्छा और बुरा बोल देते हैं। लेकिन आपको पौधे लगाना नहीं आता तो आप सीखिए, बबीताज ग्रीन प्लैनेट देखिए और पौधे लगाइए और पौधे लगाना सीखिए। बच्चों को भी कहिए कि पौधे लगाएं और उन्हें सिखाइए, जैसे हम अपने घर के बड़े बूढ़ों को मान सम्मान के साथ रखते हैं, वैसे ही हमारी धरती माँ है, जो उसको अपनी माँ का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। तो आप अपनी माँ का ख्याल रखिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, सभी से, छोटे हों या बड़े हों, घर की माँ हो या धरती माँ हो, आप अपनी माँ का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से आप सभी को अर्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेड़ लगाइए और बबीताज ग्रीन प्लैनेट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पेड़ जरूर लगाइए।